नमस्कार दोस्तों, मैं भावना विजय क्रिएटर किंग पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेडिंग कार्ड्स का एक अनोखा प्रयोग बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक क्रिएटर किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं वेडिंग कार्ड्स की। ये देखिए, मैं आपको एक शादी के कार्ड से एनवलप बनाना बताती हूँ। ये मैंने एक ड्राफ्ट बना रखा है, आप भी एक कार्ड ले लीजिए। ये देखिए, अंदर पे ये कार्ड है, इसको हम पीछे इसके ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप देखिए, इसमें अभी पूरा आ जा रहा है। इसके नाप दे रखिए, ये हमने 20 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया। यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर के फ्लैप लिए, इसी के साथ दोनों तरफ, ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और इसके बराबर नीचे से हमने यहाँ पर इसकी लिया है नाप 6.5 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर तो है ही। साथ ही इसका यहाँ से इसकी 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और इसको 18 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर इस जगह से और 1 सेंटीमीटर इस जगह से। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। ये दूसरा कार्ड ले रही हूँ, वाइट, इसमें दिखाई देगा। किसी भी मोटे कार्ड पर लेकर के आप इसको बना लीजिए। एक बार आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप इसको किसी भी कार्ड पर रखकर, चार्ट पेपर पर रख के, स्क्रैप पेपर पर, आप किसी भी मर्जी जो आपको पसंद का पेपर हो आप उस पर रख करके बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप रख करके बना ले सकते हैं इसको। ये जो यहाँ से आगे रेखा जा रही है, ये देखिए, तो यहाँ पर हमको ये शेप देनी है। ये देखिए, यहाँ से तो थोड़ा सा राउंड शेप ये दे दीजिए, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर करके, और इसको ये देकर ऐसे तिरछा करके यहाँ से ऐसे ले लीजिए। इसी प्रकार से हमको इधर पर भी करना है और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का, ये जो देखिए ये लाइन सीधी जाती है अपनी, तो हमने इसको इससे कोने से इसको मिला दिया। ये हमको कट करना है, हिस्सा, ये हिस्सा हमको कट करना है। इसी प्रकार से जो ये वाला हिस्सा है ये हमको कट करना है, और ये हिस्सा भी हम कट करना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, कटिंग हो गई। अब जो ये कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक हमको स्केल रख करके इसको हम मोड़ना है।
इसी प्रकार यहाँ से रख करके इस कॉर्नर को, ये ऊपर वाला फ्लावर पे इसको मोड़ देंगे। ये हमारा मुड़ गया। इसके बाद यहाँ पर करके इस हिस्से पर ये लीजिए तैयार हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। मेरे पास है कुछ कार्ड्स की कटिंग है, ये देखिए इन्हीं कार्ड्स के ये जो होते हैं, ये देखिए ये कटिंग्स कर रखी हैं, इनसे आप डेकोरेट कर दीजिए। इस तरीके से ये देखिए कार्ड तैयार है। इस पर मैंने एक एक गणेश जी का चेक कर लिया। और देखिए इसी तरीके से ये सभी शादी के कार्ड से बनाए हुए कार्ड हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छे लगे तो भी और ना भी लगे अच्छे तो सुझाव दीजिएगा और आगे कैसे करना है। धन्यवाद।